अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मऊ व्लॉग्स। और आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ एक और व्लॉग। और कल खैर मैंने जो था ना कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं शेयर किया। कल का दिन जो था ना कि बच्चों ने दोबारा से स्कूल वगैरह जाना है, तो बच्चे खैर कल दोबारा से स्कूल गए और स्कूल ओपन हुए और खैर कल का दिन इसी तरह गुजरा। क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम बहुत ज्यादा अजीब था स्कूल का, यानी कि 9:30 बजे इस तरह करके लगना था, 2:30 बजे छुट्टी होनी थी। तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा टाइम था जिसके अंदर बच्चे सो रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, मतलब बहुत ही ना अजीब सा सीन था। स्कूल से वापस आके बच्चों की रूटीन अलग होगी, तो समझ ही नहीं आया कि व्लॉग कैसे बनाऊं। तो खैर ये सीन था। अब व्लॉग जो था कल का तो खैर बना नहीं, आज का जो व्लॉग है उसके अंदर भी ये है कि मतलब अब कल से दोबारा से जो है ना सिर्फ जैनब ने मेरे घर जाना है, बाकी आमना ने नहीं जाना। तो कल की अलग सी कोई रूटीन होगी, उसका भी मुझे आइडिया नहीं कि क्या होएगा। लेकिन ये कि खैर आज का व्लॉग के अंदर ये था कि मैंने ना अभी घर की सफाई वगैरह करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बाजी रखी थी, लेकिन वो अगले दिन वो खैर नहीं आई, वो फिर खैर आई नहीं। तो अब ये सीन था कि मैं भी खुद ही काम कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगती हैं और मेरा मुझे होता है कि कुछ ना काम वगैरह होना चाहिए। तो व्लॉग वगैरह के अंदर ये कि व्लॉग में बना सकती हूँ, ये भी तो काम ही है। लेकिन ना मतलब मुझे कुछ होता है कि मैं खुद ना कोई ऐसी एक्टिविटी वगैरह करती रहूँ जिससे मेरे यहाँ हाथ पांव चलते रहे, नहीं तो बिल्कुल इन्हें जैम हो जाने हैं सर्दियों के अंदर। तो खैर अभी जो है ना सर्दियों के अंदर फिर मैं का बाजी रखती ही नहीं है, खुद ही काम कर लेते हैं। तो अभी जो है ना मैंने सफाई वगैरह करनी है और थोड़ा सा मेरे पास काम काफ़ी ज़्यादा वगैरह है जो कि मतलब मैंने भी करना है। जाहिर सी बात है फिर बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, तो जैसे नॉर्मल रूटीन के अंदर मैं कोशिश कर रही थी ना कि उनको पढ़ाती रहूँ, वैसे ही मैंने पढ़ाना है। तो ये सीन है। और मैंने आज बच्चों से कह बैठी कि मैंने आज उनसे ना एक्टिविटी करवानी है। अब एक्टिविटी के अंदर जाहिर सी बात है आर्ट एंड क्राफ्ट करूंगी या स्कूल का पढ़ाऊंगी, तो अब ये सीन है। तो ठीक है स्कूल का मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आज मैं उनसे एक्टिविटी जरूर करवाऊंगी। और एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ये कि आज जो है ना कपड़े काफी दिनों से सूख रहे थे हीटर के आगे, मतलब मैंने रख के हीटर के आगे सुखाए थे, तो अब मैंने वो ना वो बच्चों से सिमटवाने हैं। तो आज ये वाला काम करूंगी बच्चों के साथ, मतलब बच्चों से कहूंगी कि कपड़े सिमटें, और इस तरह मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मेरे साथ भी काम हो जाएगा और उनकी भी एक्टिविटी हो जाएगी। वो लग बात है बच्चे इस तरह की एक्टिविटी को एक्टिविटी मानते नहीं है, लेकिन खैर ये आज काम करवाऊंगी इनसे बच्चों से, और ये सारा काम करवा के फिर उसके बाद देखूंगी कि क्या करवाती हूँ। वैसे फिलहाल तो अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ, नाश्ते के अंदर अभी जो है फिलहाल जो है ना नाश्ता भी करते हैं, ठीक है। और नाश्ते के बाद जो है ना कपड़े वगैरह सिमटवाती हूँ इनसे, उसके बाद फिर कैसे हम आज सही ठीक ठाक पढ़ेंगे, क्योंकि ना छुट्टियों का ये सीन है कि छुट्टियां हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। अभी आमना ने तो अब खैर नहीं जाना, जैनब ने कल से खैर से जाना है। और कोशिश ये कि किसी ना व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूं कि जैनब को ना मैं किस तरह से उर्दू की मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह करवा रही हूं, क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना उर्दू के अंदर बिल्कुल ही निल थी, और मैं तो खैर बहुत ही ज्यादा निल थी, लेकिन जैनब को पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे भी आ गया और मेरा मेथड मतलब मुझे भी अच्छा लगता है और फिर जैनब को भी अच्छा लगता है। तो कोशिश है कि किसी व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूं, हो सकता है इसके अंदर भी शेयर कर दूं, ये भी कोई मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन यह है कि उससे जो है ना काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है और अच्छे तरीके से जो है ना थोड़ी सी उर्दू की तैयारी वगैरह हो जाती है, और ये सीन है। तो बाकी खैर अभी जो है ना फिलहाल जाते हैं किचन में, ठीक है, नाश्ता बनाते हैं। पहले खैर मैं बर्तन धो लूँ क्योंकि बर्तन शर्तन काफी ज्यादा इकट्ठे हुए हैं। बर्तन बर्तन मैंने धो लिए हैं और यहाँ पे जी मैंने बना ली है अपने लिए चाय, और बस अभी चाय वगैरह पीते हैं। फिर उसके बाद कोई रील्स या वीडियो वगैरह मैंने बनानी है वो बनाऊंगी बैठ के। उसके बाद जो है ना फिर बच्चों के साथ एक्टिविटी करने की बारी आएगी, तो वो भी एक्टिविटी करते हैं। तो पहले मैं चाय पी लूँ बैठ के, फिर उसके बाद रील वगैरह बना लूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लें। चलें ओके जी, हो गई है शाम और हो गए हैं सारे काम। अब यहाँ पे जी कपड़े पड़े हुए हैं जो कि बच्चों ने समेटने हैं, और ये है बच्चों की एक्टिविटी। तो बच्चों से मैं एक बात पूछ लूँ, एक्साइटेड आर यू एक्साइटेड? यस। और सर्दियां आई हुई हैं और बच्चे जो है फुल क्रीम लगा रहे हैं मुंह पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं मुंह बच्चों के, और बहुत सोनी लग रही हो। और यहाँ पे जो है ना अभी बस ये क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चे आर यू एक्साइटेड? अच्छा तो सीन ये है कि बच्चे जो है ना इस वक्त बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं कपड़े सिमटने के लिए, लेकिन वीडियो के चक्कर में मैं इनसे कपड़े आज सिमटवाऊंगी और सारे सिमटवाऊंगी। तो फिर और इसके बाद पढ़ना है बहुत टफ है। जो कपड़े पड़े हुए ना ये भी सिमटने हैं बच्चों ने, तो मैं बच्चों से पूछ लूं कि बच्चों आर यू एक्साइटेड? अच्छा जी, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं और लाइट वगैरह का थोड़ा सा इशू है, लाइट खैर चली गई है, तो अभी बस ये कपड़े वगैरह समेटते हैं। तो मैं इनको जो है ना कपड़े को बेड पे रख देती हूँ ताकि बच्चे आराम से समेट लें, ठीक है बच्चों?
ज़ारा सारे कपड़े समेटेगी ना, चलो जल्दी करो, इसमें से अपने कपड़े निकालो, सारे निकालो इसमें से, अपनी शर्टें, अपने पजामे, अपनी सॉक्स, सारा कुछ निकाल कर लेदे लेदे करो, चलो। और आमना अभी आमना कपड़े कपड़े समेट दो प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनो ज़ारा, सारे कपड़े जो शर्टें लेदे होंगी ना वो अपने हैंगर में टंगानी, ओके? हैंगर ला के दूं? निकालो खुद अलमारी से, पता नहीं किस तरह पड़े हुए हैंगर, चलो निकालो हैंगर अलमारी से। हैंगर भी नहीं लगेगा, नहीं बहुत पहले हैंगर निकालो खाली सादे वाले जो खाली हो गए, आमना आप निकाल रही हो? मैं खाली है मम्मा। वो खाली वाले हैंगर निकाल रही हो, देखो मम्मा खाली वाले ये, हाँ ये खाली वाले, चलो डाल देती हूँ। ओके अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने अपने हस्बैंड की सॉक्स वगैरह रखी हुई है, और ये मैंने ना खुद ही बनाया था, और मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने आपके साथ कहा था कि मैं इसको जो है ना इसका शेयर करूंगी व्लॉग वगैरह, लेकिन वो खैर मेरे से नहीं हो सका। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले अपनी सिलाई मशीन की वीडियो शेयर किए है, उसी से मैंने यहाँ पे जिगजैग्स वाली सिलाई की हुई थी, और ये पूरा ना प्रॉपर इस तरह करके बनाया था, इसके अंदर सारे जो है ना ये सही वाला जो प्लास्टिक होता है उससे बनाए हुए हैं, इसके अंदर सारी सॉक्स आ जाती हैं अच्छे खासे तरीके से, मतलब काफ़ी सारी आ जाती हैं, और बस ये जो है ना मतलब ये एक ऑर्गेनाइजर से बनाया हुआ है, वैसे तो आपको ऑनलाइन में मिल जाता होता है, लेकिन हमने खैर मैंने खैर इस तरह से बनाया था, तब ये जो चीज़ें थी ना पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, तब मैंने ये बनाया था। और यहाँ पे जो है ना जो छोटे वाले कील होते हैं लकड़ी वाले, उससे जो है ना मेरे हस्बैंड ने इसको अंदर लगाया हुआ है, ये बंद किया हुआ है, तो इस तरह करके ये जुड़ा हुआ है, और तकरीबन मेरे ख्याल इसको काफ़ी सारे साल हो गए, जब मेरी शादी थी उसके एक डेढ़ साल बाद जाके मैंने इस तरह के ये बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए। तो बाकी जो है दूसरा एक और बनाया है वो भी आपको दिखाती हूँ। ओके जी, और ये है दूसरा, ये थोड़ी सी मैंने बनियानों बनियानियों के लिए बनाया हुआ, ठीक है, ये भी बनाया हुआ, इसको भी मैंने इसी तरह से लगवाया हुआ है, और थोड़ी जो नीचे है ना अलग से पॉकेट वगैरह बनाई होती है, और ये जो है ये मैंने दूसरा खैर बनाया है, इसके बस थोड़े से धागे वगैरह निकले, काफ़ी यूज़ हो चुका है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना इसी तरह पॉकेट्स वगैरह बनाई हुई है, इसके अंदर आराम से बनियाने शनियाने आ जाती हैं, बनाए बनाए वो आपको इजीली आराम से मिल सकते हैं, बस ये आइडिया है कि आप इसको अलमारी में इस तरह करके लगा लें तो अलमारी के अंदर जो ये सारी स्पेस होती है ना आराम से यूटिलाइज वगैरह हो सकती है। हैंगर में मैंने ये तुमने लगाए हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये क्या वो शर्ट सीधी कर रही हो? दिखाओ सही तरह करना, क्यों मैं क्यों करूं? वो दोनों खुद ही हैं तो ये भी खुद ही डालो, चलो 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 शाबाश खुद ही करो अपना काम, मैं क्यों करूं? एक उल्टी है बाजू, एक उल्टी है ये? हाँ नहीं ये वाली सीधी है, वो वाली उल्टी है, नहीं नहीं ये देखो ये वाली जो है ना इसकी सिलाई बाहर है तो ये वाली जो है ये उल्टी है, इसको निकालो यहाँ से, 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 ये देखो ये लो, चलो हाँ क्यों नहीं मिल रही, आपने शर्टें लेदर कर तो ली अपनी, अब इसके अंदर देखो इसके अंदर कोई पजामे वगैरह पड़े होंगे अपने, ट्राउजर वगैरह अलग कर लो और कपड़े वगैरह, वो देखो पापे आए पापे, वालेकुम सलाम, कैसे हो? फिर आया फिर नीचे से किसी की जैकेट मारी है, अच्छा साथ ही मैं एक और चीज आपके साथ शेयर कर दूं, यहाँ पे ये जो है ना इसकी जो रॉड सी लगी हुई है, इसके साथ मैंने एक तार सी लगा के ना तो एक और रॉड नीचे यहाँ पे इस तरह करके लगाई हुई है दोनों साइडों से, यानी कि उस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है, उससे क्या होता है कि नीचे जो है ना बच्चों के कपड़े आराम से हैंग हो जाते हैं, और ये मतलब परमानेंट नहीं है, जब मेरा दिल करेगा तब मैं ये उतार लूंगी, वैसे जब शादी के बाद जो थी ना ये नॉर्मली मेरी अलमारी थी, लेकिन ये मैंने बच्चों की बना दी और वो मैं इस तरह बनाई, अब ये हुआ कि यहाँ पे कोई थोड़े से लंबे जिस तरह आते हैं ना कपड़े, ये जिस तरह ये लंबा सा ये इस तरह आराम से इसके अंदर आ जाता है, और बाकी जो छोटे हैं वो आराम से इस तरह और नीचे इस तरह करके आ जाते हैं, तो ये चीज़ ज़बरदस्त एक तरह से आइडिया है अगर आप भी किसी स्पेस को अपने यूटिलाइज करना चाहते हैं, और इस तरह करके जो है ना ये मैंने बस तार सी लगा के तो ये बना लिया था, ये जी एक और टिप है। पढ़ रही हो तुम? क्यों क्यों खत्म हो गए पहले वाले? दोनों रख दी, ये शर्टें रख दी हैं, वेरी गुड, मैंने रखी है, तुमने रखी हैं, ओह वाओ, आमना होरस मेटा, वेरी गुड, अपना हेयर बैंड ठीक करो। अच्छा जी अभी यहाँ पे कपड़े वगैरह जो हैं वो सिमट रहे हैं, और बाकी जो हैं वो हम खुद ही सिमट लेंगे, क्योंकि जैनब चली गई है अपने पापा के साथ खेलने के लिए, और आमना और दारा जी फुल मेरी हेल्प कर रहे हैं, बाकी सारे खैर
अब सिमट जाएंगे, मतलब सिमटे जाएंगे। तो खैर ये जी था आज का सारा व्लॉग, कैसे लगे आपको ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अमना अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय सारा, बाय 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 बाय।